मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट कर सकती है इफ इट इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली अंडर इम्परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट बाई इम्पोजिंग मिनिमम प्राइस जब आप मिनिमम प्राइस की बात करते हो तो ये क्या है दिस इज दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट इज सेट बाई द गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट एट अ प्राइस लोअर लोअर दैन दिस मिनिमम प्राइज अगर हम यहां पे बात करें कि देयर इज अ फर्म दैट ऑपरेट्स अंडर मोनोपनी देर इज सम फूड प्रोसेसर हु अंडर द कंडीशन ऑफ दोप्सनी तो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द प्राइस ऑफ रिसोर्स बाय बाईट मोनोपनिस्ट बाय इम्पोजिंग मिनिमम प्राइस हमने अक्सर बात की सुना होगा कि गवर्नमेंट रेगुलेट्स द लेबर मार्केट हाँ जी किस तरह वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बाई इम्पोजिंग मिनिमम वेज लॉस गवर्नमेंट यूजुअली अनाउंसेस मिनिमम वेजेस वेजेस कैन नॉट बी सेट के लेबर बिलो द वेजेस दट आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट अब इस चीज को अंडरस्टेंड करने के लिए अगेन हम यहां पे आप कह लें एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि देयर इज अ मोनोपोलिस्ट इन दार्केट फॉर एग्रीकल्चरल गुड ही देर इज अ मोनोपनिस्ट हुचे सम एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई दोनोपनिस्ट के लिए एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या है दैट इज द इनपुट टू यूज समुट अगेन कंडीशन जब हमने कहा था फर्म ऑपरेट अंडर मोनोपनी ऑपरेटिंग अंडर मोनोपनी तो हमने इक्लिब्रियम लेवल डिटर्मिन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पॉइंट वेयर मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इट विल डिटरिस्ट और यहां पर वो क्या है पॉइंट वेयर मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और इस पॉइंट के अगेंस्ट मोनोपोनिस्ट विल बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट और इस क्यू एम क्वानिटी ऑफ इनपुट को पे प्राइस करेगा पी एम और ये पी एम प्राइस हमने डिटर की ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट कर अब अगर यहां पे गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर दे एट प्राइस पी एफ हाँ जी यह प्राइस कौन सी है दिस इज द प्राइस

मोनोप्सनिस्ट फेस करेगा उसको हम डिनोट कर सकते हैं विद लाइन पी एफ जी और फिर एक ब्रोकन पार्ट है जो जी और एच के दरमियान लाइक कर रहे हैं और उसके बाद एच आई के मार्जिनल इनपुट कॉस्ट वेन गवर्नमेंट सेट्स मिनिमम प्राइस फॉर एन इनपुट कुछ पार्ट तक आप कह लें इट बिकम्स अ हॉरिजेंटल लाइन इट बिकम्स पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सेस उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ ब्रोकन पार्ट एंड देन इट कोइनसाइड विद ओरिजिनल मार्जिनल इनपुट कॉस्ट कर और यहां पर अपटू क्यू एफ लेवल ऑफ द आउटपुट के जी अब आपके पास कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी फर्म के जी कौन सा लेवल ऑफ इनपुट आपके पास मोनोपनिस्ट यूज करेगा मोनोप्सनिस्ट यूज क्यू एफ क्वान्टिटी ऑफ इनपुट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट हाँ जी अगर वो ट्वेल्फ क्वान्टिटी से कम क्वान्टिटी ऑफ इनपुट यूज करेगा देन क्या है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और अगर मोनिस्ट को चाह रहा है कि शुड यूज अ क्वान्टिटी मोर क्वान्टिटी ऑफ इनपुट देन उसकी क्या हैार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवन्यू प्रोडक्ट जब हमने ये क्लिब्रियम की सारी बातें की थी तो हमने कहा था कि आ विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इनपुट इफ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वो मोनोप्सोनिस्ट क्या होगा ही विल डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इफ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू अगर वो क्यू एफ से ज्यादा इनपुट चूज करेगा देन मोनोपोनिस्ट को क्या मोनोपोनिस्ट इज फेसिंग मार्जिनल इनपुट कॉस्ट दैट इज ग्रेट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवन्यू प्रोडक्ट और अगर क्यू एफ क्वान्टिटी से कम यूज करेगा देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवन्यू प्रोडक्ट तो उसके लिए क्या डिजायरेबल है कि मोनसोनिस्ट के लिए डिजायरेबल है कि ही शुड यूज दू एफ क्वान्टिटी ऑफ इनपुट वैन प्राइस मिनिमम प्राइस इज सेट एट पी एफ अब इस सारे की बेस पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि व्हेन मिनिमम प्राइस रेगुलेशन इज इंपोज मिनिमम प्राइस इज सेट बाय बाई अबाउट द इनपुट दैट इज यूज्ड बाय ए मोनोप्सोनिस्ट तो ये क्या करेगा इट विल इंक्रीज प्राइस इज हायर देन दोनोप्सोनिस्ट प्राइस के मोनोप्सनिस्ट ने जो भी प्राइस डिसाइड की थी मिनिमम प्राइस में दैट प्राइस इज हायर देन दोनोप्सनिस्ट प्राइस और जो आपका इनपुट यूजेज होगा